रब तुठे दी एह निशानी संतां संग बिहावै रब रुठे दी एह निशानी साकत पुरश मथे लग जावै। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज। इस दुनिया ते आए बाबा जी ने इस दुनिया दे उत्ते आके साधु बहुत आए महापुरख बहुत आए पढ़ते सारे सन गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे पर बाबा आनंद सिंह महाराज ने उस शब्द नूं अमली जामा पहनाया। आप खुद सेवा कीती ते गां करवाई भी। हुण कोई कवे जागदे रहो ते आप सुत्ता पिया होवे नहीं भाई। बाबा जी ने कीता भी ते करवाया भी। आप नितनेम कीता किली नाल केस बन्ने 24 घंटे दा जाप करके नींद नूं हराया ते बाबा जी ने संगत नूं दस्या भी भाई आए नितनेम करना चाहिदा है। ते बाबा जी ने दुनिया नूं बैठना सिखाया कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मूहरे जागदी जोत मूहरे बहना किवें है। बाबा आनंद सिंह महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो 6 फुट नीवे बैठा करते सन। रागी सिंघां दी स्टेज तो 3 फुट नीवे बैठा करते सन। संगत तो 2 फुट नीवे बैठा करते सन ते धरती तो 1 फुट टोआ पट के थले बैठा करते सन। ते केरा पुच्चो वाले बाबा महा हरनाम सिंह जी महाराज कोल करे किसी ने कहता कहिंदे जी उह कलेरां वाले टोआ पट के बहिंदे आ। ते बाबा जी कहन लगे उनू पिछले जन्म की आदत पई हुई है महापुरखो कृपा करो सोझी पाओ। बाबा जी कहिंदे जदों राम नू बनवास मिल गया सी ते ककेई ने भरत नू कहा भी ये राज करूगा ते भरत सी साधु अध्यात्मिक पुरश ते वो जंगलां दे विच मगर राम जी कोल गया ते जाके कहा बेनती कीती कि भगवान तुसी आके राज करो मैं तां तुहाडे घर दा सेवादार हाँ। ते राम भगवान कहन लगे कि नहीं असी अपने पिता दा वचन नहीं मोड़ना असी तां हुण 14 साल दा बनवास कट के वापस आवांगे राज भरत तू कर। ते भरत कहन लग्या कि मैं राज किवें कर सकदा हाँ मैं नहीं सिंघासन ते बहना। ते भरत राम भगवान दीआं खड़ावां लै गया ते लिजा करके सिंघासन ते रख के ते आप खुद थले बह के 14 साल राज कीता भरत ने। बाबा जी कहिंदे बाबा आनंद सिंह महाराज पिछले जन्म दे भरत सन इन्हां नूं उस समय की आदत पई हुई है नीवे बह के दर्शन करदे ने गुरु दे अपने। ये कृपा है ये बख्शिश है। ते बाबा जी दीवान दे विच बैठे सन बरागण लगी हुई सी ते दरबार दे विच संगतां दा लखां दा कट ते संगतां दे विच इक सरदार जसवंत सिंह बागां वाला बैठा सी। उहदे बैठे दे फुरना बन गया कि महापुरखां दा शरीर बिरध हो चलिया उम्र बड़ी हो गई गां पग किहनूं दे के जाणगे। ते अंतरजामी महापुरख बाबा आनंद सिंह महाराज आए सावधान हो गए। बाबा जी ने इशारा कीता कीर्तन बंद हो गया ते सरदार जसवंत सिंह नूं कोले सद के पुछया जसवंत सिंह की फुरना बनिया। कहिंदा महापुरखो पहली गल तां फुरना है मेरा है ही नहीं। कहिंदा जदों मैं घरों आउंना मैं अरदास करके आउंना कि मेरे फुरने घर ही रह जाणा। इह तुसीं वी जदों दरबार दे विच जाणा है ना गुरु नानक दे घरे जाना है अरदास करके तुरिया करो। जिहड़े अपने फुरने ने ना ये पाणी ने जिहड़ा गुरु की मत है दुध है भाई दुध दो कम करती है नाले भुख मिटा दिंदा नाले प्यास। गुरु की मत दुध है अरदास करिया करो। जसवंत सिंह कहिंदा महापुरखो मैं तो घरों अरदास करके तुरिया कि मेरी मत घर ही रह जाए मैनू गुरु की मत मिल जाए मैनू नहीं पता तुसू ही फुरना बनाया हुण तुसू ही कृपा करो। कहिंदे की फुरना बनिया फुरना ये बनिया कि तुहाडा शरीर बिरध हो गया ते गां गद्दी किहनूं दे के जाओगे। ते बाबा जी कहन लगे बाबा आनंद सिंह महाराज कहिंदे गद्दी तां जुगो जुग अटल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी है।
कदी तां जुगो जुग अटल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी है, आपां तां उहदे घर दे सेवादार हां। और बाबा आनंद सिंह महाराज तो पहला जां तां प्रचार सी बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वालिआं दा, ते जां कूके लहर दे विचों राम सिंह जी दा प्रचार हुंदा सी। इन्हां महापुरखां ने बहुत प्रचार कीता, लोकां नूं सोझी पाई कि किवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मनणा है, पूजणा है। लड़ लाया धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे, ते रतन सिंह रहिंदा हुंदा सी बाबा जी कोले। भाई गुरदास जी वचन करदे ने, भाई गुरदास जी अपनी वार दे विच लिखदे ने, नौ दरवाजे साध साध सदाया, नौ दरवाजे साध साध सदाया, भी इक्की उलंघ निज कर आया। जिहड़े नौ दरवाजे ने ना, इन्हां नूं पहलां साधना पैंदा है। भी इक्की उलंघ, भी किहड़े ने? पंज ज्ञान इंद्रे, पंज कर्म इंद्रे, पंज विशे ते पंज विकार। जिन्हां ने इन्हां वीआं ते काबू पाया है, उन्हां नूं इक्कीवां घर गुरु नानक दा प्राप्त होया है। ते रतन सिंह नूं बाबा जी पुछण लगे, बाबा आनंद सिंह महाराज कहिंदे, रतन सिंह किन्ना चिर हो गया तैनूं साडी संगत करदिआं नूं, किन्ना चिर हो गया तैनूं साडे कोल रहिंदिआं नूं? ते ओह कहिण लग्गिआ, महापुरखो 4 साल तां मैं तुहाडी हूं संगत कीती है, आउंदा सी मुड़ जांदा सी, ते 8 साल हो गए मैनूं तुहाडे कोल रहिंदे नूं। ते कहिंदे, रतन सिंह जे कोई पुछे 12 सालां दे विच आनंद सिंह दा की देखिआ, 12 सालां दे विच महापुरखां दा की तकिआ? ते रतन सिंह कहिण लग्गिआ, महापुरखो असीं तां जट जिमीदार बंदे हां, ਇਹ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕ ਲਾ ਅਤੇ ਲਿਖ ਲਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰੇ ਰਹੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ 7 ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜੂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਜਗਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇ। ਐਡੀ ਕਮਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਅਲਖ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਢੂਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣੇ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ NVI ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਕਈ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਰੀਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ,
जिन्नी नाम ते आया गए मुसक्कत काल नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल। पातशाह बाणी दे विच मोर लाउंदे ने जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान। जिन्हां दे मन दे विच ओ पार ब्रह्म वस गया है ओ पूरे होए ने ते पूरे का किया सब किश पूरा ते ओ पूरे दे गुण गाउणे चाहीदे ने। एवी ना किसे दे मगर लग्या करो कोई किंतु परंतु च ना पिया करो आपदा आनंद लवो नितनेम करिया करो। बाबा आनंद सिंह महाराज दे इस पावन पवित्र दिहाड़े ते बाबा जी दे स्थान दे उत्ते आपां सब संगतां एकत्र होए हाँ। झोली दे विच नाम दी दात पवा के लैके जायो। बाबा जी वचन करिया करदे सन बाबा ईश्वर सिंह महाराज भाई आए हो इत्थे पापां दीआं पंडा रख जावो ते पुन्नां दीआं लै जावो। कदे देखिया ऐसा दरबार? यह दरबार है बाबा आनंद सिंह महाराज का जिन्हां ने बख्शिशां लईआं गुरु नानक तो जिहड़े जुगां जुगां दे विच उहदे नाम का सिमरन अभ्यास करते रहे जिन्हां दे जीवन का आधार ही प्रभु की भगती उहदा नाम बन गया। आपां उहदी संगत करते हाँ भाई ते आपां आए हाँ। 24 घंटिआं दे विचों 2.5 घंटे जरूर कढ़िया करो चौंकड़ा लाया करो वाहिगुरू दे शब्द का अभ्यास करिया करो नितनेम करिया करो अमृत छको। बाबा जी का वचन सी बाबा आनंद सिंह महाराज का कहिंदे खुशी कोई माण करे भी बाबे भी मिस्त्री असी भी मिस्त्री खनी तर जांगे। बाबा जी कहिंदे नहीं साडी तां रिश्तेदारी सांझ उहदे नाल है जिहदी कलगियां वाले नाल सांझ है जिहदी गुरु नानक दे नाल सांझ है भाई। अगर गुरु नानक पातशाह दे कहे वचना ते दसवें पातशाह वल्लों दित्ती हुई रहत दे उत्ते कोई सिख खड़ेगा जे तां उह सातों पहलां चला गया ते जदों असी सचखंड जावांगे उह मूहरे खड़ा होएगा। ते बाबा जी कहिंदे जे असी पहलां चले गए जदों उह सचखंड आवेगा ते असी मूहरे खड़े होवांगे। ये बाबा जी का दरबार है जोत ते जुगत। जोत की है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीपक गुरु गुरबिन कोर अंधार। ते जुगत की है खालसा पंथ पंज प्यारे अमृत छको खंडे वाटे दी पौल छको भाई नितनेम करिया करो। गुरु साहब कृपा करन जदों आउने हो एवें दुनियावी दाता मगर ना पिया करो जिन्नियां मर्जी बेनतियां कर लो गुरु नानक ने आपदी रजा नाल ही तुहानू देना है। जिवें बच्चा हुंदा है ना बच्चे का जी करदा मैं अग च हथ पा लां बच्चा सब की खुट च हथ पाउंदा है पर मां नूं पता हुंदा वी जिहने अग च हथ पा लिया इहदा हथ मच जाणा तां जां इहने इत्थे खुट दे विच किते हथ पा लिया ते इहदे हथ च कुछ लड़ जाणा ते मां फड़ फड़ रखदी है। आपां बच्चे हाँ ये जिहड़ियां दुनियावी दातां तुसीं दुनिया लोक दे लोको इत्थों मंगदे हो ना आके वह देनिया गुरु नानक ने आपदी रजा दे नाल ही है। उहनूं पता भी किहड़ी दात ने मेरे पुत नूं मेथों दूर कर देना है ते किहड़ी दात ने मेरे कोले कर देना है। ते आपां आए हां इत्थे गुरु नानक तों उहदियां खुशियां उहदियां बख्शिशां उहदियां मेहरां मंगिया करो झोली फैला के उहदे दर तों उहदी दातां लै के जाया करो। भी गुरु नानक बाबा आनंद सिंह महाराज ने की मंगिया प्रीति तेरे चरणां दी राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे। ते देखो बाबा जी ने प्रीति मंगी चरणा दी ते अज बाबा आनंद सिंह महाराज दे दरबार ते किसे चीज दा घाटा नहीं। आओ आपां वी धारना दे रूप ये धारना दे नाल ही जीव सफली हुंदी है। कबीर साहब कहिंदे ने कबीर जग काजल की कोठरी अंध परे तसमाहे कहिंदे जग कज्जल दी कोठरी आ इह च सारे अन्ने तुरे फिरदे आ कहिंदे कोई एक विरला हथ पैर होगा जिन्हों कालख ना लगी होवे। ये जिहड़ा संसार है भाई ये संसार पापां दी न्याई कोठड़ी है कोई विरला हथ पैर हो सकता है जिन्हें कदे कोई पाप कर्म ना कमाया होवे विरले कोई कन हो सकते ने जिन्हें कदे कोई गंदी चीज़ ना सुनी होवे विरले कोई अखां हो सकदियां ने जिन्हां ने कुछ गंद ना तकिया होवे। उवें ये जीव है ये जीव नूं पवित्र करिए वह धारना दे रूप च होनी है। आओ एक धारना पढ़ के फिर समाप्ति है। संग साथ ते कबीला सारा छड़िया तेरे लड़ लगी मालका संग साथ ते कबीला सारा छड़िया तेरे लड़ लगी मालका संग साथ ते कबीला सारा छड़िया तेरे लड़ लगी मालका संग साथ से कभी लाड़ छटिया तेरे लाड़।
छटे तेरे लड़ लगी मालका संग साथ तेन मिला तारा छटे तेरे लड़ लगी मालका मी बदया अमृत वतना दा मी बदया अमृत वतना दा बरिया अमृत बचना दा नी बरिया अमृत बचना दा मिल गए संत प्यारे लेखा पात गया धर्मराज वाला लेखा लेखा पात गया मिल गए संत प्यारे लेखा पात गया धर्मराज दा लेखा लेखा पात गया मिल गए संत प्यारे लेखा पात गया धर्मराज वाला लेखा लेखा पात गया मिल गए संत प्यारे लेखा पात गया धर्मराज वाला लेखा लेखा पात गया मिल गए संत प्यारे लेखा पात गया धर्मराज वाला लेखा लेखा पात गया मिल गए संत प्यारे लेखा पात गया धर्मराज वाला लेखा लेखा पात गया धन गुरु नानक।